हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एन एस एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं हूँ गेंजिंग में और मैं जा रहा हूँ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के लिए। तो आगे वहाँ गैंगटॉक में जहाँ भी जाऊँगा फिर वहीं जाके डिसाइड करूँगा। सबसे पहले तो गैंगटॉक घूमूंगा, उसके बाद बाकी के जो भी प्लेस हैं नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम वो वहीं जाके डिसाइड करूँगा। तो रात को मैं रुका था प्रद्युम्न भाई के जो रिलेटिव हैं उनके यहाँ पे। अभी तो रास्ते में ही हूँ, मांगता हूँ किसी से लिफ्ट और पहुँचता हूँ गैंगटॉक। हाँ तो दोस्तों मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और भैया के साथ हूँ मैं। आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं तो सिलीगुड़ी जाऊँगा। सिलीगुड़ी तक जाओगे? अच्छा, मुझे गैंगटॉक जाने के लिए सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा या मतलब उससे पहले आप उतार दोगे? उससे पहले। अच्छा, उससे पहले। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विपुल बर्मन। विपुल बर्मन, आप यहीं से हो सिक्किम से? नहीं, मैं सिलीगुड़ी का। अच्छा, आप सिलीगुड़ी से ही हो? ओके, बंगाल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप यहाँ पे सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हो? अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी हम पेनिंग से आ रहे हैं। पेनिंग से, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों अभी मैं पेलिंग साइड से तो आ चुका हूँ और ये जो रास्ता है उन भैया ने मुझे इस जगह पे छोड़ा है। ये रास्ता तो जा रहा है सिलीगुड़ी के लिए और ये वही रास्ता है जहाँ से मैंने एंटर किया था सिक्किम में। तो अभी मैं पश्चिम बंगाल में हूँ और मैं नामची इसी रास्ते से गया था और पेलिंग भी इसी रास्ते से आया हूँ जोरथांग होते हुए। और एक ये रास्ता है, ये जाएगा गैंगटॉक के लिए, तो मैं अभी इसी रास्ते पर जा रहा हूँ। तो अभी लगभग 9:30 बज गए हैं तो मैं चलता रहता हूँ थोड़ी देर में। लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक। तो चलो चलता हूँ, कोई और लिफ्ट मांग के देखता हूँ। और जो आप मेरे बगल में ये नदी देख रहे हो ये तो है तीस्ता नदी और आपने वीडियो में देखी होगी एक दो बार एक नदी आई थी, वो थी रंगीत रिवर। तो सिक्किम में दो नदियाँ बहती है, एक रंगीत रिवर एक तीस्ता। तो जो रंगीत है वो भी आके तीस्ता में ही मिल जाती है और तीस्ता नदी को सिक्किम की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं यहीं पे इस जगह जहाँ उन भैया ने उतारा था इस जगह का नाम है मल्ली बाजार। तो अभी यहाँ एक होटल में हूँ मैं, यहाँ से खाना खा के और तब मैं निकलूँगा गैंगटॉक के लिए। थोड़ी भूख लग रही थी तो अब खाना खा के यहीं से निकल जाऊँगा। वही यहाँ पे खाना आ चुका है, रोटी है, ये आलू की सब्जी, ये चटनी है उसकी कच्चे आम की और ये मूली का अचार। हाँ तो दोस्तों मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और ये मिली है 16-17 किलोमीटर दूर। क्या नाम है जगह का? रिंकू तक। आप सामान लेके जा रहे हो क्या, मतलब शादी वगैरह का? शादी है वहाँ पे। अच्छा, तो ये शादी का डीजे वगैरह का सामान है, ये वहीं पे जा रहे हैं और छोटा हाथी में मैं जा रहा हूँ। लगभग यहाँ से 16-17 किलोमीटर है, फिर उसके बाद आगे चल के कोई और लिफ्ट पाऊंगा। थैंक यू भैया। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। यहाँ से वो भाई तो इधर की तरफ चले गए रेंको और यहाँ से अब है गैंगटॉक 38 किलोमीटर। तो चलता हूँ आगे, ये चेक पोस्ट है, ये पुल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से आगे सिक्किम चालू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो गर्मी बहुत है, धूप निकली हुई है और वहाँ पेलिंग में तो काफ़ी ठंड थी। और मैं उधर राबांगला वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ गैंगटॉक, यही वापस आया हूँ। और ये पेलिंग से जोरथांग और फिर वो मल्ली बाजार और इसके बाद अब गैंगटॉक जा रहा हूँ। तो भाई अभी मैं इंटर हो चुका हूँ सिक्किम में, ये रह गया चेक पोस्ट सिक्किम का और वो पीछे वाला था वेस्ट बंगाल का। तो स्वागत है एक बार फिर से सिक्किम में, चलता हूँ आगे। हाँ तो दोस्तों थोड़ी देर पैदल चलने के बाद अभी मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और भैया के साथ मैं जा रहा हूँ सीधे गैंगटॉक से। भैया कहाँ से हो आप? गैंगटॉक से ही हो? क्या नाम है आपका? कृष्णा। ओके, थैंक यू भैया। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी गैंगटॉक और भाई के साथ ही आया था, कृष्णा भाई है इनका नाम। थैंक यू भैया। तो आप कलिम्पोंग से आ रहे थे? ओके, थैंक यू। तो बस अभी मैं जाता हूं आगे की तरफ और देखता हूं अभी आगे क्या करना है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बना हुआ है कोई ब्रिज, ये तो मस्त तरीके से बना रखा है भाई। ये बीच में यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी और सीधे भी। और वहाँ ऊपर की तरफ से आ रही है रोपवे, गैंगटॉक को आप रोपवे से भी घूम सकते हो। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं एमजी रोड की तरफ
फिर उसके बाद डिसाइड करता हूँ। यहाँ से मंगन है 60 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से परमिट बनता है नॉर्थ सिक्किम के लिए। वैसे यहाँ से भी बन जाता है ऑनलाइन, लेकिन मैं वहीं जाके बनवाऊँगा। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ सिक्किम की बहुत चर्चित और सबसे अच्छी जगहों में से एक, एमजी रोड पर। तो ये एमजी रोड ही है और आज शनिवार है तो ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बंद है। हर सैटरडे को मार्केट लगभग बंद ही रहता है, होटल्स वगैरह ही खुले रहते हैं। तो ये रहा एमजी रोड, ये है सिक्किम का एमजी रोड। यहाँ पे देखिए रोड, ये पैदल चलने के लिए, उधर भी पैदल चलने के लिए ही है। और यहाँ पे पेड़ वगैरह और बहुत ही सुंदर मस्त बना रखा है। अभी तक सुनाई था, आज देख लिया। ये भी एमजी रोड का ही रास्ता है, उधर की तरफ तो गाड़ियाँ चलती है और इधर की तरफ पैदल चलने के लिए। और इधर बना रखा है G20 समिट, जो कि इस बार भारत में हुआ है 2023 का। ये लिख रहा भारत 2023 इंडिया, 20 बड़ी इकोनॉमी इस बार भारत में आई थी। ये रेड पांडा, बताया जाता है कि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं और शांत होते हैं। यस, भाई एकदम मस्त जगह है ये तो घूमने के लिए। आज मार्केट बंद है फिर भी इतनी भीड़ है, मार्केट खुला होता तो बहुत भीड़ रहती। तो भाई ये है सिक्किम का एमजी रोड, बहुत ही शानदार जगह है, मस्त एकदम घूमने के लिए। और साफ़ सफाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, जगह जगह यहाँ पे सीट बना रखी है बैठने के लिए और डस्टबिन रखी है बहुत सारी। साफ सफाई तो एकदम मस्त, ऐसे लगता है जैसे यूरोप की किसी कंट्री में आ गए हो, लेकिन यह है इंडिया। ये यहाँ गांधी जी की स्टैचू। तो यहाँ से दोनों तरफ को चलने के रास्ते और आगे चल के एक तरफ गाड़ियाँ चलती है, एक तरफ लोग चलते हैं इधर की साइड में। तो चलता हूँ आगे। ये तिरंगा, भारत की आन वान शान। तो भाई थोड़ा ऊपर आने के बाद मगन के लिए जा रहा हूँ मैं, और गैंगटॉक का नज़ारा कुछ ऐसा है मेरे पीछे की तरफ, बहुत ही शानदार। लगभग पूरा गैंगटॉक दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से लगभग पूरा गैंगटॉक दिख रहा है, गैंगटॉक बहुत बड़ा है ये, इसका शायद बाकी का पोर्शन तो अभी दिख भी नहीं रहा है। चलता हूँ अब इधर, और यहाँ पर देखिए ये गमले वगैरह लगा रखे पूरे रास्ते में, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। हाँ तो दोस्तों, गैंगटॉक तो लगभग मैंने पार कर दिया है। गैंगटॉक से ही मैं 5-6 किलोमीटर पैदल आ रहा था और लिफ्ट मिलने में आज बहुत परेशानी हुई, कोई रोक ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी से मुझे लिफ्ट मिली, उन्होंने 3-4 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। अभी यहाँ से आगे देखता हूँ कोई लिफ्ट, नहीं तो वो बता रहे थे कि आगे तासी व्यू पॉइंट है और वहाँ के आसपास कोई रहने की जगह देख लेना, फिर उससे आगे मैं कल निकल जाऊँगा। तो जैसा भी होता है बताता हूँ आपको। अभी तो मेरे पीछे वो देख रहे हो वही है तासी व्यू पॉइंट, और यहाँ से कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। लेकिन आज तो बादल लगे हुए हैं और मैंने कंचनजंगा का व्यू देख भी लिया था पेलिंग से, तो शायद वहाँ से अच्छा तो नहीं दिखता होगा, पेलिंग से तो बहुत ही पास नज़र आ रहा था। और वैसे माउंट कंचनजंगा देख लिया है और बादल लग रहे हैं, तो फिर मैं देखता हूँ मनंग की तरफ ही जाता हूँ। और थोड़ा बहुत अभी 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे के आसपास तक देखता हूँ, नहीं तो फिर कहीं कैंप करूँगा। तो वही सिक्किम से लगभग 10-11 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, बस वही एक लिफ्ट मिली थी जो आर्मी वालों ने दी थी, लेकिन कोई अभी लिफ्ट ही नहीं मिल रही है। यहाँ पीछे की तरफ झरने हैं, इधर तो काफ़ी झरने, पीछे की तरफ भी बहुत झरने रह गए 2-3, इधर भी एक ही साथ 3-3 झरने, एक वहाँ 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 3 झरने एक साथ। तो अभी जाता हूँ आगे थोड़ी देर और देखता हूँ, नहीं तो कोई सेफ सी जगह देख के मैं अपना कैंप लगा लूँगा आज, और फिर कल आगे के लिए निकलूँगा। अभी यहाँ से मैं झरने से भर लेता हूँ अपने लिए पानी और फिर निकलता हूँ आगे। यहाँ देखिए एक साथ 3-3 झरने बह रहे हैं, और मगन के लिए रोड ये। भाई इधर की तरफ कोई गाड़ी रोकता ही नहीं है, अब तक लगभग 100-200 गाड़ियाँ रुकवा चुका हूँ, कोई नहीं रोकता भाई यहाँ पे, तो चलता रहता हूँ कोई नहीं। अभी यहाँ से 57 किलोमीटर दूर हो रहा है,
मंगन। हाँ तो दोस्तों, बहुत देर गैंगटॉक से पैदल चलने के बाद अब जाके लिफ्ट मिली है और ये भैया टैक्सी वाले ही हैं। थैंक यू भैया। हाँ टूरिस्ट व्हीकल है लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे लिफ्ट दी। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। लोकेंद्र, ओके। तो आप यही गैंगटॉक से हो? कहाँ से हो? गैंगटॉक से। तो आप तो मतलब ऑल ओवर सिक्किम में चलते होंगे? ओके, थैंक यू। तो आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? गाड़ी नंबर आपका? फोन नंबर है 7432897294। ओके, थैंक यू। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रोक ही नहीं रहा था आज तो। आज सबसे मतलब सिक्किम में अभी तक इतना देर मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा मेरे दिल से यही कहा, जो लड़की होगा तो कोई भी लड़का लिफ्ट देता है। हाँ, लेकिन लड़का को देना मुश्किल है लिफ्ट। बहुत, ये तो सही बात है। तो मैंने दिल से फिर रोक के फिर बैक किया। ये बैक भी? हाँ, आपने बैक किया बिल्कुल। कहाँ जा रहा है जी? तो रोक लिया मैंने। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब हम यहाँ से एंटर होने वाले हैं। अभी तक हम ईस्ट सिक्किम में हैं और ये ब्रिज क्रॉस करते ही नॉर्थ सिक्किम में पहुंच जाएंगे। ये B2 ब्रिज बोला जाता है इसे। B2। जैसे आप सिक्किम में मतलब कौन कौन से साइट सीन कराते हो? जैसे अगर किसी को में होगा बिजनेस, आपको ईस्ट सिक्किम में मिलेगा चंगू बाबा मंदिर, नोथुला। अच्छा, ईस्ट में तो वन डे सेक्शन है। तो okay. लोकल सेक्शन भी होगा, वन डे लोकल सेक्शन भी होगा। लोकल सेक्शन में 10.12 पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, 10 से 12 मोनेस्ट्री जी, लंका मोनेस्ट्री वगैरह आ जाता है। हनुमान टॉक। ओके, उसका प्राइस क्या रहता है? उसका प्राइस है आपका पर डे 3500 लग जाएगा। 3500। हम 6 आदमी ले सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 6। ओके, तो भैया आज लिफ्ट मिली नहीं रही थी, इन भैया ने गाड़ी रोकी और लगभग 6-7 किलोमीटर आगे लिया है। अभी मैं एंटर कर चुका हूँ नॉर्थ सिक्किम में ईस्ट सिक्किम से, और वो वहाँ पीछे की तरफ अपनी गाड़ी धो रहे हैं। तो चलता हूँ। बोल रहे थे कि 5 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ पर टेंट लगा लेना। अगर वहाँ पे भी जगह नहीं है तो 2 किलोमीटर और आगे एक अच्छी जगह मिल जाएगी। तो भाई वहाँ देखिए आप ऊपर की तरफ, ये बर्फीले पहाड़। यस, नॉर्थ सिक्किम आते ही दिख चुके हैं बर्फीले पहाड़, हिमालयन व्यू। मज़ा आ गया, लेकिन बारिश हो रही है। मैं चलता हूँ आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सोच रहे होंगे गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा है, रात हो ही नहीं थी। तो कुछ हुआ ऐसा था कि उन टैक्सी वाले भैया ने लिफ्ट दी थी, उसके बाद मैं पहुंचा था जो स्टार्टिंग का जो गांव था नॉर्थ सिक्किम में एंटर होते ही। तो मैं वहां पे पहुंचा और शाम भी हो गई थी, लगभग 5:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि यहीं पे आज कैंप कर लेता हूं और फिर अगले दिन मंगन के लिए चला जाऊंगा। तो फिर वहां गांव वालों से पूछा उन्होंने कि कैंप लगा सकता हूं। उन्होंने बोला कि पंचायत से पूछ लो। पंचायत मतलब जैसे हमारे सभी जगह ज़्यादातर बोलते हैं प्रधान या सरपंच बोलते हैं गाँव के, उनके यहाँ पर जाके बात करने के लिए बोला। तो मैं उनके यहाँ पर गया तो वो घर पर नहीं थे। फिर एक गांव वाले ने ही बताया कि नीचे पुलिस वाले रहते हैं, वो अलाउ कर देंगे तो हो जाएगा। तो मैं उनसे जाके बात करने गया। मैंने बताया कि पेलिंग से आया हूँ आज और मंगन जाऊँगा, और मंगन में जाके पास बनाऊँगा मैं और फिर आगे जाऊँगा। हाँ, मैंने उनसे बोला कि रुक सकता हूँ क्या मैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ तो नहीं रुक सकते हो। मैंने कहा क्यों? कह रहे थे पास दिखाओ। मैंने कहा कि मंगन में पास बनता है, मैं वहाँ से जाके बनवा लूँगा आगे जाने के लिए। तो कहने लगे नहीं, बिना पास अलाउ ही नहीं है, जबकि मगन में पास बनता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसे अलाउ नहीं है। मैंने कहा कि सर मुझे यहाँ पे आज रुक जाने दीजिए और मैं कल जाके मगन में पास बनवा लूँगा, उसके बाद आगे फिर वहीं पास के थ्रू ही जाऊँगा। तो उन्होंने भाई सुनी नहीं कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो और तुम किस काम के लिए आए हो? मैंने बोला कि मैं तो वीडियो बनाने आया हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ वीडियो बनाने की परमिशन किसने दी तुम्हें सिक्किम में? तुमने किसी से बोला कि मैं सिक्किम में वीडियो बना रहा हूँ? मैंने कहा सर मैं शुरू से ही जब से सिक्किम में एंटर हुआ हूँ वीडियो बना ही रहा हूँ, और ब्लॉगिंग वगैरह तो आजकल सभी करते हैं। और मैंने पुलिस वालों के साथ भी की थी, तो उन्होंने कहा कि
नहीं यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है, यहाँ तुम वीडियो नहीं बना सकते। तो भाई उन्होंने बोला कि तुम्हें गैंगटॉक ही जाना पड़ेगा और वहाँ से पास बनवाओ और फिर आगे कहीं भी जाओ, और गांव में तो बीच में तुम रुक ही नहीं सकते। या तो अगर तुम मगन जाना था तो डायरेक्ट मगन ही जाना था, यहाँ पे बीच में रुक नहीं सकते। फिर थोड़ी देर बाद मुझे गैंगटॉक की एक गाड़ी मिली, मैं उसमें बैठ गया और वो गाड़ी वाले भैया वो भी पुलिस वाले ही थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ओपी में जाना चाहिए था, ओपी में तो रुक सकते हैं और उससे अगले दिन तुम वहाँ चले जाते मगन में। तो मैंने उनसे बोला कि वो जाने ही नहीं दे रहे थे आगे भी, तो फिर उन्होंने एक गाड़ी रुकवाई दूसरी और उनसे बोला कि इसे वहाँ छोड़ देना और फिर ये ओपी चला जाएगा। तो फिर मैं ओपी मतलब पुलिस चेक पोस्ट होता है ओपी, तो मैं उन दूसरी गाड़ी में बैठा, फिर ओपी गया वहाँ से। लेकिन ओपी में भी उन्हीं की ड्यूटी थी रात को जिन्होंने मुझे वापस भेजा था, तो उन्होंने बोला फिर वापस आ गए। तो उन्होंने मुझे भाई वहाँ से रात को 10-11 बजे करीब बिठा के और एक गाड़ी में गैंगटॉक ही भेज दिया। तो यही था कि गैंगटॉक आके अब फिर मुझे मतलब टेंट लगाने की जगह पूछनी थी लेकिन सब ने मना कर दिया। पुलिस वालों ने भी पूछा कि मतलब वहाँ थाने में जाके परमिशन लेके आओ, तो फिर थाने गया। दल तो भाई बकैती हो गई पूरी, मतलब इधर उधर घूम के मैं फिर मैं थाने गया। थाने में बोला कि ऐसे ऐसे मैं मतलब सिक्किम घूम रहा हूँ पूरा हिच हाइक करके लिफ्ट लेके बिना पैसों के ही। तो उन्होंने बोला कि आज यहाँ से तो अभी परमिशन मिल नहीं सकती, हमारे साफ लोग यहाँ नहीं हैं, तो आप होटल में रह लो। लेकिन मैंने फिर उनसे बोला कि होटल बहुत महंगे मिल रहे हैं, कोई 2000 ले रहा है, कोई 1800, ऐसे करके कोई 3000। तो उनमें से एक पुलिस वाले भी आते, उन्होंने फिर हेल्प की, उन्होंने बोला कि कोई नहीं आप यहाँ मेहमान हो तो कुछ मदद करते हैं। फिर उन्होंने किसी से बात की, उसके बाद रुकने का जुगाड़ हुआ। अब भाई ऐसा है कि मैं लिफ्ट लेके फिर से मगन के लिए जाऊंगा तो वहीं चेक पोस्ट से शायद फिर से वापस गैंगटॉक भेज दिया जाऊं और बोलें कि मतलब कि तुम पास बनवा के क्यों नहीं आए। और गैंगटॉक से अगर मैं पास बनवाता हूं तो उसमें गाड़ी नंबर मेंशन करना होता है कि मैं नॉर्थ सिक्किम जा रहा हूं और इन इन जगह घूमने जा रहा हूं, तो मतलब पूरी बुकिंग ही करनी पड़ती है और बुकिंग मेरे लिए महंगी पड़ेगी। तो बस अब यही है कि सिक्किम ट्रिप तो कोई नहीं, लेकिन सिक्किम पुलिस बहुत हेल्पफुल है बाकी के, यहाँ पे गैंगटॉक आके भी मेरी काफ़ी हेल्प की, और जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी वहाँ उस गांव से गैंगटॉक तक लिफ्ट दे रहे थे वो भी पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने फिर से वापस भेजा। उन्होंने कहा कि सब ऐसे नहीं होते, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे बोलना, लेकिन रुक ही नहीं पाया। तो पुलिस वाली सिक्किम पुलिस बहुत ही हेल्पफुल है, यहाँ पे आके मैंने जैसे कि बताया कि गैंगटॉक में आया तो उन्होंने हेल्प की रुकने के लिए, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप सिक्किम के गेस्ट हो तो हम आपकी कुछ हेल्प करते हैं, कोई टेंशन मत लो। तो भाई आगे नॉर्थ सिक्किम तो अब ऐसा लग रहा है कि जब पैसे वैसे आ जाएंगे, चैनल ग्रो हो जाएगा, उसके बाद ही ईस्ट और नॉर्थ सिक्किम घूम पाऊँगा। तो शायद सिक्किम ट्रिप का एंड मैं यहीं करता हूँ और बाकी की चीज़ें तो मैं बता दूँगा जैसे चलता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अगली वीडियो चालू करूँगा अभी। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सारी बात मैंने आपको बता दी है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।